वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम लाइफस्टाइल। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप कि आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो ये इंट्रो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 24 आवर चैलेंज वेयरिंग सॉक्स। सो लेट्स सी कैसे हम ये कर पाते। वैसे तो मैं कर ही पाऊंगी क्योंकि विंटर में ज्यादातर मैं वेयर करती थी, सोते वक्त भी वेयर करके सोती थी। सो बट अभी तो समर है तो लेट्स सी कर पाते या नहीं कर पाते, शायद तो हो ही जाएगा। प्लस आज मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर क्योंकि आज है मेरी यंगर सिस्टर का बर्थडे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 मई, ठीक है। सो वो सब आपको मेरे इस ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। प्लस अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6 o'clock, सो अभी मैं जा रही हूँ मेरा बाथ लेने के लिए एंड देन उसके बाद मैं सॉक्स वेयर कर लूंगी और उसके बाद पूरा काम करने वाली हूँ। सो आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा आगे। सो आई होप कि व्लॉग आप लोग एंजॉय कर पाओगे। इफ यू आर प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल। सो विदाउट डू एनी फर्दर लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अभी अपना जस्ट बाथ ले लिया है एंड यहाँ पर मैं आई हूँ स्किन केयर करने क्योंकि अभी हो रहे हैं 6:20 एंड ये मेरा जो भी सिंपल मेरा रूटीन का जो स्किन केयर है ना वही मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही हूँ। ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी, ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यू कैन सी यहाँ पर मैंने मेरे सॉक्स वेयर कर लिए। तो हमारा जो चैलेंज है वो स्टार्ट होता है 6:30 पर, मतलब 6:30 से स्टार्ट हो रहा है। सो पहले तो यू कैन सी चप्पल भी वेयर करिए ताकि सॉक्स पूरे दिन सही रहे, सही कंडीशन में रहे। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहे बना रही हूँ एंड साथ में यहाँ पर मेरी चाय है वो भी बॉईल हो रही है। यू कैन सी ये रेडी होने ही आई है, जस्ट अभी 3 to 4 minutes में अच्छे से पकने वाली है, ठीक है। तब तक यहाँ पर हमारे जो पोहे वो भी रेडी हो जाएंगे बनकर। सो यहाँ पर मैं आलू को डालना भूल गई थी तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था एंड देन आलू को कट करके देन आलू डाल दिया था एंड देन वापस से गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब जल्दबाजी में भूल जाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं भी भूल गई थी। तो यहाँ पर जस्ट जो भी हमारा सिंपल मसाला जो भी जैसे हम ये बनाते तो वैसे मैंने यहाँ पर सिंपली बना ली एंड यहाँ पर मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भी कर लिया क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर मेरे जो हस्बैंड है वो आई थिंक पूजा कर रहे थे। यस ओके। सो यहाँ पर मैंने इसके बीच में बहुत सारा काम किया, मतलब झाड़ू पोछा वो सब किया क्योंकि वो बार बार क्या दिखाना, तो वो मैंने क्लिप ऐड नहीं करी है। बट अभी हो रहे हैं 10 o'clock और 10 o'clock पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर ये मिल्क। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बच जाता है ना तो मैं क्या करती हूँ ना कि पनीर बना लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर पनीर खाना प्रीफर करती हूँ। तो यहाँ पर पनीर मेरा बन रहा है, शायद आज मैं इसकी आज तो नहीं कल सब सब्जी बना लूँ क्योंकि आज रात को तो मेरी यंगर सिस्टर का बर्थडे है तो वहाँ पर ही हमें पिज़्ज़ा वो सब खाना है। बट पनीर मैं अभी बनकर रेडी रखने वाली हूँ। ओके, तो साथ ही यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ कुल्फ़ी। यस गाइज, बिकॉज आई लव होममेड कुल्फ़ी। तो यहाँ पर जो कुल्फ़ी है ना मैं वेनीला कस्टर्ड पाउडर से बनाने वाली, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ml से भी कम मैंने यहाँ पे दूध लिया है, ठीक है। और साथ ही में यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा पनीर है ना वो भी बनकर रेडी हो गया था, तो मैंने उसको बंद कर दिया था, मतलब उसकी इंडक्शन को बंद कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर यू कैन सी कि मेरा मिल्क जब तक बॉईल हो रहा है तब तक यहाँ पर मेरे पास है इलायची, देन कुछ मैंने 8 से 10 बादाम लिए थे, यस आलमंड। और जैसे बॉईल आ गया ना तो मैं गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। और यू कैन सी यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, तो थोड़ा सा मिल्क मैंने सेपरेट ले लिया था, मतलब अलग निकाल के रखा था, उसके अंदर मैंने इसको मिक्स किया कस्टर्ड पाउडर को, जैसे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन यहाँ पर जो इलायची एंड देन यहाँ जो आलमंड है बादाम उसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रश कर लिया, यू कैन सी। ओके, तो गैस में क्या होता है ना कि जो मिल्क है उसको जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने क्या किया ना कि यहाँ पर मैंने चेंज करके इंडक्शन पर लगा दिया क्योंकि इंडक्शन पर हम टाइमर भी लगा सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने यू कैन सी पहले मैंने फुल रखा था और जैसे बॉईल आ गया तो मैंने इसको लो फ्लेम कर दिया था। यू कैन सी 120 और 500 पर रखते ना तो वो अपने आप चलता रहता है, ठीक है, मतलब वो अपने आप बॉईल होगा फिर अपने आप सेट हो जाएगा, तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। तो मुझे ज़्यादातर मैं चाय बनाना इंडक्शन में प्रीफर करती हूँ, मिल्क या पानी को बॉईल करना गर्म करना जो भी है वो मुझे इंडक्शन में ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पे जो छिलके निकल के आते हैं ना इलायची की, वो मैंने यहाँ पर जो चाय पत्ती होती है ना उसके साथ में इंक्लूड करके रखती हूँ। एंड यस गाइस, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो ना तो सॉरी फॉर डैट। एंड यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है 1 बॉल, यस। एंड यहाँ पर मेरे पास है ये वेनिला एसेंस फ्लेवर है, ठीक है, इसमें इंक्लूड करने के लिए वो अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने चीनी को मिक्स की है और मिक्स करके यू कैन सी कि मैंने इसको
चीनी मैंने पहले थोड़ी डाली है, फिर उसको मिक्स किया एंड देन उसके बाद थोड़ी डाल के मिक्स की। एंड उसको अच्छे से मिक्स होने जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो वेनीला वाला हमने बैटर रेडी किया था ना, वेनीला और मिल्क का, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। एंड देन यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट थे, इलायची पाउडर था, उसको भी मैंने मिक्स कर दिया। एंड देन यहाँ पर जो हमारा वेनीला एसेंस है, वो भी मैंने 3 to 4 ड्रॉप्स ही डाले, इससे ज़्यादा मत डालना, क्योंकि जैसे ही आप ड्रॉप्स ज़्यादा डालोगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो आपको बिटर फील होगा। यू कैन सी अच्छे से रेडी है, इसके में मैंने 2-3 बार बॉईल होने दिया है। एंड देन इसको हम रखेंगे फ़ैन के नीचे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए, ठीक है। और तब तक यहाँ पर है मेरे पास, क्योंकि रात को मैंने डोसा बनाए थे तो उसका बैटर यहाँ पर मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि अभी आफ्टरनून को भी ये जो बैटर है उसके आई थिंक 2-3 बन ही जाएंगे, तो अभी मैं इस बैटर से डोसा बनाने वाली हूँ। एंड देन उसका थोड़ा मसाला भी साइड में है, क्योंकि सांभर तो रात को ही ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने ली है ये डोसा पैन जो आता है ना, वहीं मैंने लिया है। एंड देन जो फर्स्ट मैंने बनाया ना, वो आप आई होप कि आप रिलेट कर पाओगे, जो भी कोई भी बात हो, मतलब रोटी बनाओ या ऐसी कोई भी वैरायटी बनाते हो, अगर वो पहली बार बनाते हैं ना, फर्स्ट जो होता है ना हमारा, वो ऑलवेज़ मतलब कभी अच्छा बनता ही नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे डोसा, ये जो डोसा है ना, वो मैंने फर्स्ट बनाया है, यू कैन सी ये मेरा फर्स्ट है, यू कैन सी ऐसी हालत हो जाए, मतलब इसके बाद जो बनेगा वो सही बन जाएगा, बट जो पहला होता है ना वो हर बार ऐसा ही होता है। और यहाँ पे साथ साथ में मैं साइड में यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ, यू कैन सी, क्योंकि आटा मैंने ऑलरेडी बुन कर रख दिया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाई, सिर्फ 2 रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी डोसा भी है, देन अभी मैं मैंगो भी कट करने वाली, क्योंकि मम्मी ने मुझे बीच में लाकर दी थी, मतलब मम्मी ने यहाँ पर मुझे मैंगो लाके मैंगो भिजवाई थी, तो वो भी कट करके खाएंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर है ये कुल्फी का मॉल्ट, तो यू कैन सी इसके अंदर मैं इसको पोर कर, मतलब डाल रही हूँ, मतलब अच्छा है। अगर आप बाहर से खाते हो, इससे अच्छा है कि अगर आपके पास यू नो दूध एक्स्ट्रा मंगवा लो, इंधन आप खुद घर पर भी बना सकते हो इजीली। और इसको 8 से 10 घंटे ही सिर्फ फ्रिज में रखना होता है, रेफ्रिजरेटर में, अच्छे से सेट हो जाने के बाद इतना अमेजिंग लगता है। प्लस इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपने खुद बनाए तो आपको महसूस होगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा तो नहीं है, बट बाहर के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बन गई थी, तो यहाँ पे जो बॉल है उसके अंदर भी मैंने स्टोर करके रखा है, और इसके अंदर मैंने कोकोनट पाउडर भी ना स्प्रेड कर दिया था, बट वो मैं शूट करना भूल गई। तो यू कैन सी ये मैंगो जो मैंने, मेरी मम्मी ने जो पहले भिजवाई थी ना, वो वाली है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि इसके आगे भी आपको मैंगो देखने को मिल जाएगी, जो मैं आज लेकर आने वाली हूँ, जो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला है। तो यहाँ पे यू कैन सी ये है केसर मैंगो, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट। तो ये है रेडी मेरी प्लेट, ये है खाने वाले लोग, ये है मैंगो डोसा, आलू मसाला, रोटी। ओके, सो अभी हो रहे हैं इवनिंग के 4 o'clock, 4 बज रहे, तो यहाँ पर मैं रेडी हूँ। एंड यू कैन सी यहाँ ये जो है बंगलोज देख रहे हो, ये मेरी दीदी ने लिया है, मतलब उनका खुद का उन्होंने लिया है, मतलब वो शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब पहले उनका खुद का फ्लैट था, बट अब वो यहाँ पे शिफ्ट होने वाले। तो यहाँ पर अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, यू कैन सी कि पूरे रूम में आप देखोगे ना तो आपको यही दिखाई देगा। ये उनकी जो बेटी है प्रीशा, उनका ये बेडरूम है, ये मास्टर रूम था, मास्टर बेडरूम था, तो ये दीदी का है। एंड देन ये जो है वो आई थिंक प्रीशा का है, मतलब मेरी भांजी का है। एंड देन ये है ऊपर का व्यू, यू कैन सी, मतलब ये साइड में ऐसे टेरेस जैसा दिया है, बट जो मेन टेरेस है ना वो उसके भी ऊपर है। एंड देन यहाँ पर है ये होम थिएटर, यहाँ पे वो बनवाने वाले हैं, तो यहाँ पर होम थिएटर का भी काम चल रहा है। एंड एज यू कैन सी ये है मेरी भांजी, ये इसका नाम ही प्रीशा है, जो छोटी बच्ची थी ना उसका नाम ही प्रीशा डक है। डक देखो यहाँ क्या है, ये क्या है, इसमें तो फैन भी है। ओके, सो एज यू कैन सी ये है क्लब हाउस, यस। एंड देन ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना ग्रीनरी टाइप का, ये पूरा है गार्डन प्लस प्ले ग्राउंड भी आप बोल सकते हो, क्योंकि प्लेइंग एरिया है। यू कैन सी यहाँ पर आपको सीसो देन स्लाइड वो सब देखने को मिल जाएगा, प्लस यू कैन सी काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब बच्चों के लिए तो बस गार्डन है तो सब सही है। और यू कैन सी यहाँ पर जो प्रीशा है वो भी खेल रही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एंटर हुए ना तब भी से वो गार्डन में ही थी। गीला नहीं है, गीला है, पानी है ना।
देखो इतना बोलती है ना ये लड़की, मत पूछो। मतलब वो बोल रही है कि ये जो है वो क्रिसमस ट्री है, इसको हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे देन डेकोरेशन करेंगे एंड देन सेंटा क्लॉस लेकर आएंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इतनी बातें करती है ना ये लड़की, देखो कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं अभी इस जनरेशन के बच्चों को। ओ माई गॉड, टूट गया। ओ नो, निकल गया, गंदा हो गया। क्यों, गीला नहीं था ना। एंड यहाँ पर हो रही है यहाँ पर केक कटिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था यंगर सिस्टर का बर्थडे था, बट वो पूरे दिन यू नो कॉलेज थी, तो अभी वो शाम को आई है और शाम को आने के बाद उसको कुछ गिफ्ट भी लेने थे मम्मी की तरफ से वो सब। सो क्या लिया है वो भी आपको इसी ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। बट उसके पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ये हो रही है केक कटिंग और ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी और यहाँ पे जो बैठा था वो मेरा भाई है। ओके गाइस, सो अभी यू नो मॉर्निंग हो गई है और अभी हो रहे हैं 7:30 AM मॉर्निंग के, और अभी मैंने मेरा बाथ ले लिया है। और यू नो रात को हम 12 बजे मम्मी के घर से आए थे ना, तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, तो आके डायरेक्ट सो ही गए थे। मतलब जस्ट फेस वॉश वो सब करके, मतलब फेस वॉश तो करना बनता ही है, तो वो मैंने क्लिप कोई शूट नहीं करी है। बट अभी मैंने जस्ट बाथ ले लिया है क्योंकि अभी 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि कल मैंने 6 o'clock से यू नो ये चैलेंज स्टार्ट कर दिया था, 24 आवर चैलेंज, वेयरिंग सॉक्स वाला चैलेंज मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो अभी मैं मॉर्निंग में 6:45 अराउंड में उठी थी, सो वैसे भी मैं 24 आवर हो ही गए थे, सो दैट्स व्हाई मैंने यू नो शूट नहीं किया कि क्या इसमें शूट करना, ठीक है। और अभी मैंने मेरा जस्ट बाथ ले लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मेरे सॉक्स की हालत भी दिखा देती हूँ। यू कैन सी, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हो गए, प्लस मैं मेरी मम्मी के घर पर गई थी तो यू नो, प्लस हमने ट्रैवलिंग भी इतनी ज्यादा करी है ना, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने अपना खुद, मतलब वो उनका खुद का फ्लैट था, बट अभी उन्होंने रो हाउस में यू नो शिफ्ट किया है, अपना खुद का लिया है, तो अभी फर्नीचर का वो सब काम चल रहा है। कजिन है, ठीक है, मतलब मेरे बड़े पापा की लड़की, बस वहां जाकर तो 1 घंटा तो हम वहीं पर ही रहे थे, तो वो क्लिप भी आई थिंक मैंने इंक्लूड की है। यस, प्लस मम्मी के घर से हम लेकर आए थे मैंगो के बॉक्सेस, तो बॉक्सेस लेकर उसके पहले भी मम्मी ने भिजवाया था, तो वो आपको शायद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने आफ्टरनून को खाई थी वो मैंगो। यस, एंड देन फिर रात को जब 12 बजे आए तब भी लेकर आए थे, और मम्मी ने कुछ वेफर्स भी बनाई थी, मम्मी ने हमारे लिए रखी थी, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। दीदी ने जो घर लिया है वो भी देखने जाना था, देन केक कटिंग वो सब करना था, तो केक कटिंग का वीडियो भी आई थिंक आपको क्लिप मैंने इंक्लूड कर दी होगी शायद। यस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, 24 आवर चैलेंज, वेयरिंग सॉक्स 24 आवर चैलेंज। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और ये ना ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई व्लॉग शेयर करूँ, है ना। मतलब ज्यादा तो क्या होता है व्लॉग में, हम क्या दिखाते हैं, हम अपना जो फेस है वही दिखाएंगे, ठीक है, और जो सॉक्स है वो हम पहनते हमारे लेग में, तो वो तो मैं कैसे आपको शेयर कर पाती, है ना, क्योंकि अगर यू नो फेस मास्क ऐसा कोई यू नो वीडियो करते हैं, मतलब ऐसा कोई चैलेंज करते हैं, तो वो तो आपको दिखेगा हाँ कि मैंने फेस मास्क ऐसे इंक्लूड किया हुआ है, बट मैं बार बार पैर तो नहीं दिखा सकती ना। मैं शूज वेयर करके गई थी, स्नीकर्स मैंने वेयर करे थे क्योंकि जींस टॉप मैंने वेयर किया था, ठीक है, सो वैसे भी सॉक्स तो पहनने ही थे, तो ऐसे ही, ठीक है। और जो भी होगा, आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ यू आर सिम प्लीज Make sure to give it a thumbs up, share to your friends and family and subscribe to my channel Kusum's Lifestyle. And yes guys, अगर आप चाहते हो कि 24 आवर सारी चैलेंज, लहंगा चैलेंज, सलवार सूट, जो भी आप देखना चाहते हो, लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, जो भी मेरे वीडियोस को यू नो देखते हैं ना वो सारे सब्सक्राइब करके जाया करो यार, व्यूज आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लस लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक भी कर दिया करो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी के घर से शायद मैंगो लेकर आऊँगी, तो मैंगो के साथ साथ मम्मी ने वेफर्स भी दी थी क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए बनवाई थी, तो यू कैन सी ये नेक्स्ट डे पर मैंने शूट किया। यस।